तो दोस्तों हमारे हंसते खेलते हुए सुपर हीरो मतलब स्पाइडरमैन की नई मूवी का टीजर आ चुका है, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। एमसीयू की 23rd मूवी इस साल जुलाई में रिलीज होने वाली है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम के 3 महीने बाद। हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की ये मूवी बहुत सारे एडवेंचर्स और एक्शन से भरी हुई है। आज हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मूवी एमसीयू की टाइमलाइन में कहां फिट होती है। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर एवेंजर्स एंड गेम खत्म होने वाली है, मतलब एंड गेम के खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद। इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन को मरता देख सभी फैंस ये सोच रहे थे कि क्या स्पाइडरमैन जिंदा होगा या नहीं, पर इस मूवी के टीजर से एक बात तो क्लियर हो गई कि एवेंजर्स एंड गेम में स्पाइडरमैन का जिंदा होना कन्फर्म है। तो टीजर की शुरुआत होती है और हमें स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर और उसकी आंट में एक साथ दिखते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में हमने देखा था कि पीटर की आंटी को ये पता चल गया था कि पीटर खुद स्पाइडरमैन है, और यही बात हम इस टीजर में भी देख सकते हैं। यहाँ पीटर अपने मास्क के बिना भी अपनी आंटी के सामने है। यहाँ स्पाइडरमैन और आंट में एक चैरिटी इवेंट में है। ये होमलेस सपोर्ट चैरिटी शायद पीटर की आंट में चला रही है। कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन की आंट में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थी। यहाँ टोनी स्टार्क का बॉडीगार्ड हैप्पी स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से $5,00,000 का एक चेक लेकर आता है। इस चेक पर पेपर पॉट्स की साइन है। इससे ये समझ में आता है कि पेपर अभी भी जिंदा है। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो मूवी के टाइटल से ही हमें इसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है। होमकमिंग में स्पाइडरमैन अपने घर लौट रहा था और फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन अपने घर से दूर जाने वाला है। फिल्म में पीटर अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल की ट्रिप में यूरोप जा रहा है। पीटर अपनी ट्रिप पे अपना स्पाइडरमैन सूट नहीं ले जाना चाहता ताकि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सके, पर उसके आंट मैन ने उसे बिना बताए ही ये सूट उसके बैग में रख दिया। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ चेकिंग में ये सूट पकड़े जाने के बावजूद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, शायद वो उसे नकली सूट समझ रहे होंगे। इस मूवी में स्पाइडरमैन काफ़ी अच्छे से वेब स्विंगिंग करते हुए नजर आ रहा है। इसके पहले हमने उसे ज़्यादातर दीवारों पर ही चढ़ते हुए देखा था। इस मूवी में हमें यूरोप की कई सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी, जैसे कि वेनिस, प्राग, लंदन और बर्लिन। टीजर में असली एक्शन तब शुरू होता है जब यहाँ निक फ्यूरी की एंट्री होती है। इन्फिनिटी वॉर में निक फ्यूरी और मारिया हिल दोनों ही धूल बनकर गायब हो गए थे, पर इस मूवी में वो दोनों जिंदा है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम में सभी धूल बने हुए लोग वापस जिंदा होंगे। निक फ्यूरी एक बहुत बड़े जासूस है, इसीलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को अपने साथ किसी मिशन पर ले जाना चाह रहे हैं। उनका यहाँ यूरोप में आना कोई मामूली बात नहीं लगती। शायद पीटर का ये स्कूल ट्रिप निक फ्यूरी ने ही प्लान किया हो ताकि वो पीटर को यूरोप ला सके अपने मिशन को पूरा करने के लिए। पीटर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे निक फ्यूरी के साथ काम करना पड़ रहा है, पर उसका दोस्त नेड इस बात से बहुत एक्साइटेड है। इस बार हमें फिर से स्पाइडरमैन के नए कॉस्ट्यूम्स दिखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रेड एंड ब्लैक सूट, जो कि कॉमिक्स से सुपीरियर स्पाइडरमैन सूट से सिमिलर है, और ये है स्टेल्थ सूट, जिसे पहनकर पीटर कोई सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। ये दोनों ही सूट शायद निक फ्यूरी ने पीटर को दिए हैं। इस टीजर में हमें कहीं भी स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट नहीं दिखा। हो सकता है कि वो सूट एवेंजर्स एंड गेम में खराब हो गया हो, या फिर पीटर ने उस सूट को बड़ी लड़ाइयों के लिए उठा के रखा है। इस टीजर में हमें कई सारे क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि नेचर के अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं। ये है सैंडमैन, ये है मोल्टन मैन, यहाँ फायर और लाइटनिंग दिख रही है, और ये है हाइड्रोमैन। ये सभी स्पाइडरमैन के कॉमिक्स के विलन है। और फिर फाइनली एंट्री होती है मूवी के मेन विलन की, जो कि है मिस्टीरियो। इस सीन में मिस्टीरियो पीटर की हेल्प कर रहा है, जिससे सबको ये लग रहा होगा कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी है, पर ऐसा नहीं है। मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के खास दुश्मनों में से एक है, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करने में माहिर है। कॉमिक्स में मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बदनाम करके खुद हीरो बनना चाहता था। फिल्म में भी वो शायद कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। यहाँ हमने जितने भी एलिमेंटल क्रिएचर्स देखे वो सब शायद मिस्टीरियो के ही बनाए हुए हैं। मिस्टीरियो की पावर के इफेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल स्पेल्स होते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टीजर ब्रेकडाउन वीडियो और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.